मैं एक और स्टोरी में आता हूँ, बढ़िया स्टोरी है भी। ये वाली स्टोरी राजस्थान से भाई। आप लोगों को मैंने बताया ये पहले भी कई बार है ना कि राजस्थान में एक कल्चर है, इनफैक्ट कई जगह भारत में कल्चर पर कल्चर ये वाला है। बट राजस्थान में ये जो कल्चर है ना अपने पूर्वजों का विग्रह बनाने का घर में, क्योंकि मुझे पर्सनली सही नहीं लगता, या अपने पूर्वजों की पूजा करने का या उन्हें भोग चढ़ाने का ऑन अ रेगुलर बेसिस, वो कल्चर भारत में बहुत कम जगह है। और अगर है तो भाई ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। पहले मैं स्टोरी पे आता हूँ फिर मैं बताऊंगा ऐसा क्यों नहीं करना। तो एक राजस्थान में एक जगह है, अब वो मैं नहीं बता सकता भाई क्योंकि वो जगह बहुत मतलब फेमस है, वहां पे सब बन गया है, घर वर बिल्डिंगे विल्डिंगे सब बन गई है। अब इन डिफेम करने का मेरे ऊपर चार्ज लग जाएगा, कोई भी ऑब्जेक्शन कर सकता है, तो खैर मैं वो नहीं बता सकता, शहर भी नहीं बताऊंगा क्योंकि वो जगह वो बहुत अलग से पहचान में आ जाएगी उस शहर। तो भाई एक जगह वहां पर एक अपार्टमेंट बनना था, बहुत बड़ी सोसाइटी बननी थी, अच्छी खासी बड़ी लंबी चौड़ी अलग अलग ब्लॉक्स रहेगी। तो वहां पर बीच में अब पूरा लैंड अक्वायर किया जा रहा था, कुछ लोगों के खेत आते थे रास्ते में, कुछ के घर आते थे, वो सब लोगों से एक्वायर किया गया। ऑफ कोर्स वो प्राइवेट बिल्डर और गवर्नमेंट के कोलैबोरेशन से बनी थी, ठीक है, पीपीपी था उसमें, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, उस प्रोसेस से वो बनी थी। तो भाई वो एक्वायर किया गया और एक पर्टिकुलर जगह थी वहां पर, अब वो पहले किसी का घर रहा होगा, वहां पर एक चबूतरा सा बना हुआ था, उसके ऊपर धूप बत्ती वगैरह दिखाते थे और पत्थर सा कुछ रखा हुआ था, पिंड जैसा कुछ रखा हुआ था। और वो जो ओनर थे उस घर के, जहां जिनके प्रॉपर्टी पे वो चबूतरा आता था, दे वर लाइक कि भाई आपको जो बनाना हो बनाना, आप ये चबूतरा तोड़ना मत, और जब भी ये अपार्टमेंट बन जाए तो यहां पर धूप वगैरह बत्ती दिखाना, दिया भैया जला देना, कुछ करते रहना, या कभी कभी हफ्ते में एक आध बार कुछ मीठा भी रख देना, अगरबत्ती जला देना, दिया जला देना, उसको तोड़ना मत इस चबूतरे को। बट बिल्डर और सरकार को तो कोई लेना देना है नहीं इन लोगों से, लाइक दीप तो कह रहे हैं डॉल वाली मूवीज कह रही लगती है भाई, हम तो डॉल देख के हट लेते हैं, दूर बिल्कुल दूर, हमसे दूर रखो। तो भाई दे डिसाइडेड कि भाई उनका जो प्लान बना था पूरी उस सोसाइटी को बनाने का, उसके बीच में वो जगह आ रही थी और वहां पर उसी जगह पर एक ब्लॉक बनना था, की ब्लॉक बनना था। अब दे डिसाइडेड कि भाई ये जो पिंड रखा है इसको उठा के कहीं और रख देंगे और चबूतरा तोड़ देते हैं। बट जो मजदूर थे जो वहां काम कर रहे थे उन्होंने मना किया, नहीं भगवान के लिए ऐसा मत करो। जो तो सिक्योरिटी गार्ड्स थे उन्होंने ही मना किया कि भैया ऐसा मत करो, ठीक नहीं। बट वो नहीं माने, उन्होंने क्या किया, वो अपनी जेसीबी ले आए और उन्होंने मारा उस पर तड़ाम तुड़ूम, तीन चार बार में जेसीबी का बकेट टूट गया। बकेट मतलब वो जो जेसीबी के आगे गोल गोल वो लगा रहता है जिसमें आगे दांत होते हैं जिससे वो तोड़ते हैं चीजें, उन्होंने तीन चार हिट मारोंगे वो बकेट टूट गई, फिर भी नहीं माने। अच्छा वो जब वो बकेट टूटी तो जो लेबर वहां काम कर रहे थे वो भाग लिए सबके सब, दे वाले कि भाई हम इस पर्टिकुलर जगह पे काम नहीं करेंगे, हम थोड़ा हटके कर लेंगे, दूसरे ब्लॉक में लगा दो हमें। अच्छा अब वो सोसाइटी कितनी भी बड़ी हो, काम तो लेबर लोग तो काम सब जगह कर रहे थे, सिक्योरिटी वाले और भी थे, ये बात फैल गई वहां पे बिल्कुल, मतलब आतंक। और लेबर वर लाइक कि भाई हम इसमें इसको तोड़ना तो दूर, हम इसमें हथौड़ा भी नहीं छुआएंगे, हम नहीं लगा सकते इसमें, नहीं माने। अब की बार ठेकेदार ने क्या किया, उसने कहा हम ये पूरा चबूतरा ही उड़ा देते हैं, जब ये चबूतरा ही नहीं रहेगा तो फिर काम भी हो ही जाएगा। और उसने थोड़ा डराया धमकाया लेबर्स को, निकाल देंगे भगा देंगे टाइप, तो बोला कि ठीक है भाई। तो वो अब की बार आया जेसीबी में, आगे वो जो ड्रिल वाला हेड लगता है पॉइंटेड वाला, वो वाला हेड लगा के आए,
और उन्होंने ड्रिल करके दुर 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 करके वो उड़ा दिया। कबूतरा टूट गया, तो नाबूद, खत्म। और यहीं से सारी गड़बड़ों की शुरुआत हो गई, गड़बड़ियों की शुरुआत हो गई। सबसे पहला इफेक्ट ये चबूतरा टूटने का उसी रात दिखाई देने लगा। उसी रात से जो भी सिक्योरिटी गार्ड्स थे, दे वाले कि हम ई ब्लॉक की लोकेशन पे नहीं आए, हम यहां पर नहीं रुकेंगे रात, हम इस पूरे ब्लॉक का जो एरिया है उसमें कहीं भी रुक सकते। बट या नहीं, मजदूर तो वैसे भी काम नहीं कर रहे थे, बट उनको किसी तरह समझा बुझा के अगले दो चार दिन में काम शुरू कराया गया। और काम ऐसा शुरू हुआ कि बाकी सोसाइटी के सारे ब्लॉक्स बनते गए बिल्कुल एस्टिमेटेड स्पीड से, विद इन द टाइम फ्रेम। बट वो बहुत स्लो बन रहा था, ई ब्लॉक बनने में बहुत टाइम लगा। अब बहुत टाइम, कभी कुछ टूट जाए, कभी कुछ गिर जाए, कभी अलाइनमेंट गड़बड़ हो जाए, कभी उसका जो प्लान है उसके हिसाब से ना बने, कम ज़्यादा हो जाए, जो जगह है, जो एरिया है, जो कवर कारपेट एरिया है वो कम ज़्यादा हो जाए। पर टूटते फूटते करते 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 सबसे आखिर में बना। और जो पहला बंदा था जिसने उस ई ब्लॉक में फ्लैट लिया, ठीक है, मतलब ई ब्लॉक है, जैसे मान लो ये ब्लॉक है, चबूतरा इस साइड आता है और इस साइड, मतलब एक ही फ्लैट में कई बार बिल्डिंग में कई सारे फ्लैट्स होते हैं ना, एक फ्लोर पे कई बार चार फ्लैट होते हैं, एक फ्लोर पे कई बार छह फ्लैट होते हैं, बहुत बड़ी बिल्डिंग है तो आठ फ्लैट भी होते हैं, दस फ्लैट भी होते हैं। तो जो इस तरफ के फ्लैट वाले थे, उसने उस पर्टिकुलर चबूतरे के पास वाली जगह पे फ्लैट लिया जहां पे वो चबूतरा एग्जिस्ट। अच्छा, चूंकि वो उस थोड़ा आउटर में बन रहा था, प्रोजेक्ट शहर से थोड़ा बाहर था, वो जल्दी सेल आउट हो गए, सस्ते फ्लैट्स थे रिलेटिवली, जल्दी सेल आउट हो गए। अब जितने भी लोगों ने वहां फ्लैट लिया, वो रह ना पाए, उनके घर में कुछ ना कुछ हो, कभी कोई उनको थप्पड़ मार दे, कभी वो अपने घर में उन्हें कोई दौड़ता हुआ समझ में आए, उनके घर से बदबू आए, गंदी बदबू, गटर जैसी सड़ांध वाली बदबू, सड़ते हुए मांस की बदबू, वो आए, उनके घरों से सामान गिर जाए, कभी किचन में कुछ खटपट हो जाए, ये सब उस पर्टिकुलर साइड पे हो। तो जितने भी लोग थे उन्होंने सब ने वो फ्लैट छोड़ दिए, वो कहीं और रहने लगे, उनके बेसिकली पैसे वेस्ट हो गए एक तरह से। किसी का कोई घर में थैंकफुली कोई मरा नहीं, बीमार नहीं पड़ा, बट ऐसा कुछ हुआ। और उनके सबके करियर और उनके प्रोफेशन में बहुत दिक्कतें आई, उनके काम बिगड़ गए, पैसे बर्बाद हो गए, फंस गए, डूब गए लोग, लोगों के मतलब ये समझो बर्बादी की नौबत आ गई, एक आधा लोगों के तो डाइवोर्स हो गए, ये हाल हुआ उस पर्टिकुलर साइड के फ्लैट उस एरिया पे जो बने हुए। अब आज की डेट में ई ब्लॉक में उस साइड के जितने भी फ्लैट्स हैं सारे खाली पड़े हैं। पर द स्कैरी पार्ट इज कि जो लोग वहां आसपास रहते हैं, या इवन सामने वाले ब्लॉक में, सामने वाली बिल्डिंग में जो रहते, उन्होंने ई ब्लॉक के कई फ्लैट्स, ऐसे कई फ्लैट्स हैं ई ब्लॉक में जिनमें सिर्फ वायरिंग के कनेक्शन दिए गए, प्रॉपर लाइट भी नहीं लगी, मतलब कुछ तो बिक गए और कुछ तो बिके ही नहीं, खौफ के और डर की वजह से, और जो उसका इनफेम हो गया था उस फ्लैट का, उसकी वजह से। तो जहां जहां लोग रहने आए वहां वहां तो लाइट्स लगी, कनेक्शंस लगे प्रॉपर, सब नल वगैरह, लाइट, स्विच बोर्ड, ये सब लगे। और जो खौफ की वजह से लोग रहने ही नहीं आए जिन फ्लैट्स में, ना वहां लाइट्स लगी, ना वहां स्विच बोर्ड लगे, ना बिजली का प्रॉपर कनेक्शन हुआ मीटर से, ये उन फ्लैट्स में भी जहां पर कभी ना कोई लाइट थी, ना कनेक्शन था, ना कोई रहने आया, अब भी इस वक्त वहां उन फ्लैट्स में लोगों को अक्सर खिड़की पे, खिड़की के साइड से मतलब आर पार उन्हें कोई खड़ा हुआ दिखता है, लाइट जलती हुई दिखती है, जबकि उस फ्लैट्स में, उन फ्लैट्स में लाइट ही नहीं है, है ही नहीं लाइट, बल्ब या CFL ट्यूबलाइट ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती उस बिल्डिंग, उस पर्टिकुलर साइड ऑफ द बिल्डिंग में, बट उन्हें वो दिखता है। और अब जो डरावनी चीज होने हुई थी मेरे एक परिचित के साथ,
वो बताता हूँ मैं उसी बिल्डिंग में, उसी साइड के फ्लैट्स में। जब तक वो रहने आए वहां पे, वो जो बंदे वहां पे रहने आए थे वो आर्मी से रिटायर्ड थे, और उनको बेसिकली पुलिस में अच्छी जॉब मिल गई थी। शॉर्ट सर्विस कमीशन पे आर्मी में डिप्लॉयड थे, तो पुलिस में अच्छी जॉब मिल गई। पर जैसे ही वो अपने फैमिली के साथ उस फ्लैट में शिफ्ट हुए, उनकी पुलिस की जॉब गई, के अपनी वाइफ से झगड़े होने लगे, उनके बच्चे की तबीयत और एजुकेशन इतनी ज्यादा प्रभावित हुई कि उन्हें उसको बोर्डिंग में भेजना पड़ा। हालात ये हो गए थे कि उनकी वाइफ से उनके डाइवोर्स तक की आ गई थी। फिर उनके हालात तब सुधरे जब उन्होंने उस सिटी से बाहर की जॉब, जब तक वो वहां काम करते रहे तब तक बर्बाद रहे। जैसे ही उन्होंने अपनी जॉब चेंज करी और वो बाहर उन्होंने अपना काम किया, फैमिली वापस आए, एक दूसरा व्यक्ति जिसके साथ उसी साइड ऑफ द बिल्डिंग में इस तरीके की घटनाएं हुई, तो उसका बहुत बुरा हुआ। तो बच्चा मर गया था, कि वाइफ के साथ डाइवोर्स हो गया था, उसका बिजनेस था अच्छा खासा बढ़िया डिस्ट्रीब्यूटरशिप का, खत्म हो गया। वो बंदा लगभग सड़क पे आ गया, लाखों का उसके ऊपर लोन था, और उसकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि वो फ्लैट को छोड़ भी नहीं सकता। बट उसने छोड़ा, जब उसने छोड़ा तब उसकी लाइफ थोड़ी पटरी पे आई, बट मर गया तो आसानी।